राम राम दोस्तों, मैं चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग सब? कुशल मंगल तो है। अरे कुशल मंगल होगा क्यों नहीं, आज बड़ा मंगलवार है। आज के दिन हनुमान जी के नाम की बूंदी बांट देना, सब कुछ शुभ ही शुभ होगा। सब कुछ शुभ ही शुभ तो अनुपमा के घर में भी हो रहा है। अनुपमा पर अनुज के नाम की हल्दी जो लग चुकी है, और पीला रंग तो वैसे भी शुभ होता है, लेकिन अभी हमारी अक्षरा के हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी, उससे पहले उसके ससुराल वालों ने परेशान कर रखा है। अरे सारा ससुराल तो नहीं, लेकिन महिमा और हर्षवर्धन तो नहा धोकर अक्षू के पीछे पड़े हैं। तो चलिए पहले आपको सा हाउस में क्या चल रहा है ना, उसके बारे में बताते हैं। अनुपमा के घर तो वैसे सब ठीक है, जल्द ही अनुपमा और अनुज की शादी होने वाली है, लेकिन शादी से पहले ही किंजल बेचारी परेशान है कि उसकी सासुमा उसे छोड़कर चली जाएगी। लेकिन अनुपमा कहती है कि वो उससे मिलने आती रहेगी। लेकिन इसी बीच बापूजी बा को थोड़ा अकल से काम करने के लिए कहते हैं। बापूजी कहते हैं कि अभी भी उसके पास टाइम है कि वो सुधर जाए और अनुपमा को दिल से आशीर्वाद दे दे। लेकिन बा को देखकर लगता नहीं है कि वो सुधरने वाली है, जब तक अनुपमा की शादी में कुछ बड़ा बवाल न कर दे। वहीं हमारी अक्सु बेचारी नए घर में खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रही, करेगी भी कैसे जब देखो उसका ससुर हर्षवर्धन उसके पीछे लगा रहता है, उसकी हर चीज में कमी निकालता है। अब तो हर्ष ने सारी हदें पार कर दी। अरे महिमा के साथ मिलकर अक्षरा का म्यूजिक डिपार्टमेंट बंद करने का फैसला लिया है, और हर्ष और महिमा पैसों के लालच में आकर अब IVF सेंटर खोलेंगे। ये बात सुनकर अक्षरा बेचारी परेशान हो जाती है। हमें तो इस बात का डर है कि ये बात जब अभिमन्यु को पता चलेगी तो क्या ही तूफान आएगा। तूफान तो लूथरा हाउस में भी आ रहा है। अरे जैसे देश में मानसून से पहले तूफान आ रहे हैं ना, वैसे ही बिना बात के लूथरा हाउस में कुछ ना कुछ भूचाल आए जा रहे हैं। पहले करण जेल से जैसे तैसे छूट कर आया, अब घर में जल्द ही ऋषभ की एंट्री होने वाली है। गुंडे अब पृथ्वी को ब्लैकमेल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर ऋषभ को जिंदा देखना चाहते हो तो चुपचाप 50 लाख रुपए दे दो। वहीं ये बात प्रीता सुन लेती है। वहीं दूसरी तरफ करण नताशा के साथ टल्ली होकर घूम रहा है। नताशा उसे पूरे तरीके से भड़काने की कोशिश कर रही है, मतलब इधर करण होश में नहीं और उधर प्रीता के सामने नई परेशानी। भगवान ही मालिक है इस लूथरा परिवार का। चलो दोस्तों, आज के लिए इतनी चुगली काफ़ी है, फिर आपसे कल मिलने आएंगे। राम राम।